हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वर्णिम पांडे है। गेट 2020 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 38 अचीव किया है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको लास्ट 7 डेज़ या आखिरी हफ्ते में कैसे अपने माइंड को काम रखें और कैसे इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ करें, उसके लिए बना रहा हूँ। तो और ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये गेट का 2020, और मैं 2020 में ही पास आउट हुआ हूँ। तो आप लोग इसको देखें, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने जर्नी में। तो पहला पॉइंट तो ये है कि फेथ प्लेज़ की रोल इन एनी प्रिपरेशन, और फेथ से ही आता है कॉन्फिडेंस। फेथ इन द सेंस कि आपको अपनी मेहनत पे कितना भरोसा है, आपको खुद पे कितना भरोसा है, इसको हम फेथ कहते हैं। तो अगर हमने अच्छे से तैयारी की है, हमने अच्छे से मेहनत की है, ज़रूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स तैयार किए हैं। अगर हमने कुछ सब्जेक्ट्स भी अच्छे से तैयार किए हैं तो हम खुद पे भरोसा होना चाहिए उन सब्जेक्ट्स को लेके कि कुछ भी हो, इन सब्जेक्ट्स को तो मैं कर ही लूँगा। तो अगर आपके अंदर फेथ है, खुद की मेहनत पर भरोसा है, तो अल्टीमेटली आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस से ही हम कोई भी स्किल सीखते हैं या कुछ भी चीज में हम मास्टर होते हैं। और दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी इस मोमेंट में काफी लोग डीमोटिवेटेड हो सकते हैं या होंगे, क्योंकि ये आखिरी टाइम है और टेस्ट सीरीज में काफी लोगों ने के स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे या रैंक अच्छी नहीं आ रही होगी। तो मेरा उन सबको ये कहना है कि यार, मेरे केस में मेरी ऑल इंडिया रैंक 700 तक भी गई है टेस्ट सीरीज में आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स, और फर्स्ट भी आई है मॉक टेस्ट्स में। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज आपको फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि यार यही होने वाला है आपके साथ फाइनली। तो आप इतना टेंस्ड ना हो इस चीज को लेके कि जो हमारा टेस्ट सीरीज में ही परफॉर्मेंस है वही हमारा अल्टीमेट परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने पार्ट टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, सब्जेक्ट टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, और फुल लेंथ या मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। आप इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि आने वाले टेस्ट में आप कुछ नहीं कह सकते कि कैसा पेपर आएगा। क्या पता जो क्वेश्चंस पूछे जाएं वो आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, गेट 2019 का पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का कैसा था कि उसमें कोई बेसिस ही नहीं रह गया था सेग्रीगेट करने का रैंक्स को। तो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि काफी टफ पेपर आ जाए, और उन टफ पेपर, वैसे कोई पेपर टफ नहीं होता है पूरा, उसमें इजी क्वेश्चंस हमको छाटने होते हैं जब पेपर टफ होता है। तो हो सकता है वो इजी क्वेश्चंस आपके फेवरेट सब्जेक्ट से आ जाएं। तो ना हमको घमंड करना है अगर हमारे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, ना हमको बहुत डीमोटिवेटेड होना है। हमको जस्ट एक सिंपल चलता रहना है, नॉर्मल नॉर्मल। अगर हमको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हमको डर भी पैदा हो जाएगा इस चीज का कि पेपर कैसा आएगा उस दिन। अगर टेस्ट सीरीज में हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको ये डर पैदा हो जाएगा कि यार ऐसा ही पेपर आएगा कि नहीं, उस दिन क्या हो जाएगा। बस हमको सेटल रहना है हर एक सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहना है, अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। और जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम उसके आखिरी तक जाएंगे, आंसर निकालेंगे, नहीं आएगा तब हम दूसरे पे मूव करेंगे। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट मैं ये रखना चाहता हूं कि मैं अपनी स्टोरी सुनाना चाहता हूं आपको आखिरी 7 डेज की, कि मैंने अपने ऊपर कैसे फेथ बनाए रखा आखिरी टाइम तक। मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं 2020 में पास आउट हुआ हूं, तो गेट के टाइम पे मेरा कॉलेज चल रहे थे, और मेरा कॉलेज होम टाउन में नहीं था मेरे, और मेरा गेट का सेंटर मेरे होम टाउन में था। तो मुझे ट्रैवल करना पड़ा घर तक। 8 तारीख को पेपर था, 8 फरवरी को, और मैं 1 तारीख को अपने होम टाउन आ गया था। वो इसलिए आ गया था कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए माहौल में ढलने का घर के, और ऐसा जल्दी जल्दी ना हो जाए सब चीज़ें। तो मैंने ट्रेन में ही स्ट्रेटेजी बनाई थी कि कैसे मैं हर एक डे का यूटिलाइजेशन करूंगा और कैसे मैं रिवाइज करूंगा चीज़ों को आखिरी के वीक में। बट जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। एक्चुअली हुआ ऐसा कि पहले दिन आके रिलैक्स करता रह गया मैं कि ट्रैवल करके आया था, तो और घर में भी थोड़ा सा ये रहता है कि डिस्टर्बेंसेस रहते हैं कि किसी ने बुला दिया, दीदी ने बोल दिया कुछ, मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, तो ये सब चीज़ें थी घर में। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स भी थे तो उन्होंने बुला लिया मुझे एक दिन कि यार आओ मिलते हैं भाई, बहुत दिन बाद आए हो, ये वो।
तो उसमें भी मेरा डे निकल गया। फिर कुछ एक इमरजेंसी आ गई हमारा, ऐसा कि मार्केट वगैरह जाना पड़ा मुझे उस चीज़ के लिए, तो एक डे मेरा पूरा उसमें भी खराब हुआ। तो जो मैंने प्लानिंग करी थी उसकी तो धज्जियाँ उड़ गई थी उस समय तक। बट मैंने फेथ ऐसा बना के रखा कि यार मैंने पहले तो पढ़ा हुआ है ना ये सब चीज़ें, तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर अभी नहीं रिवाइज कर पाया तो मेरी पहले की मेहनत भी बर्बाद है। तो मैंने अपने मन में जस्ट ये बात हमेशा याद रखी कि मुझे हर एक मोमेंट पे जो मैंने मेहनत करी है उस पे मुझे भरोसा रहे कि मैं भूलूँ ना कि अगर मैं आज नहीं कर पाया जो मैंने प्लान किया था आखिरी के वीक में, तो मैंने जो पहले किया था वो बर्बाद है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग भी ये करिए कि अगर एग्जीक्यूट ना कर पाए जो आपने प्लान किया हर डे आखिरी में, तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। जस्ट आपको ये करना है कि कट डाउन कर देनी है चीजें, कि आपने अगर सोचा था कि यार तीन सब्जेक्ट रिवाइज करने एक डे में, तो दो ही करेंगे एक डे में अगर एक दिन बर्बाद हो गया है तो। या मतलब आप ओवरबर्डन नहीं करना चीजों को कि आज नहीं हुआ तो कल मैं और ज्यादा कर लूंगा। आखिरी के टाइम पे हमको दिमाग को रिलैक्स ही रखना है जितना हो सके उतना। फोर्थ पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि लास्ट के टाइम में अगर हम थोड़ा हड़बड़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हमको रात के टाइम पे बैठ के पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमको सोचना है कि हमने क्या क्या पढ़ा। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको उठाना है और जस्ट उसमें ये चीज सोचना है कि यार मैंने इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा था जब मैंने प्रिपेयर किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें, या क्या क्या चीजें थी जो जिसमें मुझे दिक्कत हो रही थी पढ़ने में, तो उनको दिमाग में एक बार रिवाइज करना है। लास्ट ईयर पंकज शुक्ला सर ने भी एक वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने ये चीज रिवीजन स्ट्रेटेजी में ये चीज कहा था कि रात में अगर हम एक घंटे या डेढ़ घंटे सिर्फ आग बंद करके सोचें कि हमने क्या 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 कैसे पढ़ना है, तो वो हमको काफी हेल्प करेगा। तो वो चीज मैंने यूज करी थी, तो आप वो आखिरी के वीक में ज्यादा टाइम के लिए यूज कर सकते हो कि उस एक घंटे को तीन घंटे कर लो कि सुबह दोपहर शाम। तो इससे हमारा माइंड एक काम रहेगा, हमको हमेशा याद रहेगा हर एक मोमेंट पे कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और हमको सब चीजें रिकॉल है कि नहीं, और हम हड़बड़ाएंगे नहीं उस चीज से, जो कि फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के साथ पेपर देने के लिए। फिर उसके बाद उन बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या 20-30 मार्क्स के अराउंड है, तो उनको एक चीज ये समझनी होगी कि जो आप 20 या 30 आपके मार्क्स आ रहे हैं उनसे उससे ज्यादा तो आप जस्ट एक अगर मेंटल एक पुश देंगे अपने आप को, तो ही आप उससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपका 12 सब्जेक्ट्स है, 13 सब्जेक्ट्स हैं, वो पूरे प्रिपेयर नहीं है, जस्ट 4-5 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर है, कि एप्टी मैथ्स तो होता ही है सबका, इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम्स, ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, और मान लीजिए एक कोई सब्जेक्ट दूसरा आपका, तो अगर इनका भी आप वेटेज देखें तो ऑलमोस्ट 45-50 मार्क्स का आपका तो प्रिपेयर है ही हर एक मोमेंट पे। तो हमको क्या करना है कि पैनिक नहीं होना एग्जाम में, हमको ऐसा समझना है कि यार 50 मार्क्स का ही मुझे आता है, उस 50 को ही मुझे मैक्सिमाइज करना है। वो मैक्सिमाइज ऐसे होगा कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2-3 मिनट नहीं निकालना है कि हमको पूरे क्वेश्चन देखने अटेम्प्ट करने, हमको जस्ट आखिरी तक करना है क्वेश्चन सॉल्व, कि जो जो हम उनको सब्जेक्ट्स आते हैं जिन जिन में हम कॉन्फिडेंट हैं उनमें हमें आखिरी तक आंसर निकालना है, और हमको हर एक क्वेश्चन को हम 5-6-7 मिनट दे सकते हैं आराम से, और अगर हम देंगे रिलैक्स माइंड से और वो सब्जेक्ट्स आपको आते हैं तो आपको आंसर डेफिनेटली निकलेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 50 out of 50 या 55 out of 55 पूरा मार देंगे, बट आपका एक रिस्पेक्टेबल और एक अच्छा स्कोर आ सकता है इससे, कि लाइक आउट ऑफ 55 यू कैन अचीव 45 और 40 समथिंग इफ यू गो टिल लास्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसके बाद मैं और एक पॉइंट ये भी कहना चाहूंगा कि लास्ट डे जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे उस समय दूसरों को देख के नर्वस नहीं होना है, कि ऐसा होगा कि जैसे वो टाइमर चलता रहेगा उसमें ऐसा रहेगा कि अब 10 सेकेंड्स बचे हैं, 9, 8, 7, 6, 5, उसके बाद जैसे ही जीरो होगा तो काफी सारे माउस की आवाज साइमल्टेनियसली आना शुरू हो जाएगी, तो उससे क्या पैनिक हो सकते हैं बच्चे। मैं हो गया था, तो मैंने ये किया कि मैं एक मिनट तक कुछ किया ही नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला कि यार ठीक है जो होगा देखा जाएगा, एक मिनट मैं सीधा बैठा रहा, कुछ नहीं किया पेपर में, बस अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। अगर मैं उस टाइम को हड़बड़ा जाता उस टाइम पे, तो डेफिनेटली मैं शायद खराब कर देता पेपर या कुछ मतलब इतना सही नहीं कर पाता जैसा मैंने किया। और बस यही था मेरा मैसेज आप लोगों के लिए, आप जस्ट अपने ऊपर फेथ बना के रखें जो कि बेसिक नीड है, उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उसी के थ्रू आप अच्छा कर सकेंगे इस गेट के एग्जाम में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।